नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश के मॉर्निंग न्यूज सेशन में। दोस्तों, आज है 10 नवंबर, शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज। दोस्तों, अगर आप एनटीए नेट की तैयारी कर रहे हो तो इसका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया गया है और इसे अब आप डाउनलोड कर सकते हो। आपको बता दें कि ये जो एग्ज़ाम होना है एनटीए नेट का, ये 2 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर तक होगा और आपका जो एग्ज़ाम शेड्यूल होगा, यानी कि आपकी परीक्षा कहाँ पर होगी, किस शेड्यूल में होगी, किस शहर में होगी, पूरी जानकारी आपको आपके एडमिट कार्ड के द्वारा प्राप्त हो जाएगी। तो अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। वहां पर जाकर जो निर्धारित प्रक्रिया है उसको पूरा करना है और उसके बाद आपको अपना एडमिट कार्ड मिल जाएगा। दोस्तों, बता दें आपको कि असिस्टेंट प्रोफेसर के 10 पदों का रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया है। अभी मात्र 2 विषय ऐसे हैं जिसका रिजल्ट जो है जारी होना शेष है। यानी कुल मिलाकर देखें तो विज्ञापन संख्या 47 के तृतीय चरण में अब सिर्फ अंग्रेजी और इतिहास विषय का रिजल्ट बाकी है। बाकी जो 3 विषय का रिजल्ट एक साथ जारी करने की तैयारी थी, लेकिन पूरी तैयारी न होने के चलते 2 विषय का रिजल्ट बाद में जारी करने का निर्णय लिया गया है। और उप सचिव डॉक्टर शिवजी मालवीय ने बताया कि आयोग की वेबसाइट और पोर्टल में सफल अभ्यर्थियों का ब्यौरा अपलोड कर दिया गया है। और देखो, एक नया पद जो बनाया गया था बेसिक स्कूलों के लिए, APR के लिए, तो देखो जितने भी जनपद हैं वहाँ पर इसके लिए तो लोग आवेदन ही नहीं कर पा रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कौशाम्बी में 7 नवंबर तक निर्धारित तिथि थी, लास्ट डेट थी, लेकिन आवेदन न मिलने के कारण ये डेट बढ़ा दी गई है और अब 16 नवंबर तक आवेदन लिए जाएंगे। फिलहाल ये एक ऐसा पद है जिस पर लोग आवेदन ही नहीं करना चाहते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें प्रेषक भगवान स्वरूप सचिव उत्तर प्रदेश शासन की ओर से है। समस्त जिला अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश, यहाँ पर बताया गया है कि 9/11 से लेकर 11 नवंबर तक सभी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, कोचिंग वगैरह सब बंद रहेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देखते हो। और इन आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए, ऐसा इसमें कहा गया है। फिलहाल सभी स्कूल, कॉलेज अब 13 को ही खुल पाएंगे क्योंकि आगे जल्दी गुरु नानक जयंती भी है। और अयोध्या विवाद पर जो डिसीजन आया है फ्रेंड्स, वो बहुत ही अच्छा डिसीजन है। हमें कानून का सम्मान करना चाहिए, हमें अपने संविधान का और जो भी सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसका भी सम्मान करना चाहिए। राष्ट्रीय एकता सर्वोपरि है। याद रखिए कि भारत एक है और हम एक हैं और हम लोग मिलकर ही एक बेहतर देश बना सकते हैं। फिलहाल फ्रेंड्स, इससे संबंधित कोई भी भड़काऊ पोस्ट या सोशल मीडिया पर ऐसा कुछ भी आप लोग ना लिखें, क्योंकि यहाँ पर देखो अगर आप लोग ऐसा करोगे तो तब भी अच्छी बात नहीं होगी। हमें अपनी यूनिटी का परिचय देना है। खबर यहाँ पर यह है कि व्हाट्सएप पर भड़काऊ पोस्ट डाली तो ग्रुप एडमिन पर होगी कार्रवाई। फिलहाल आपको संयम बरतना है, कहीं पर भी कुछ भी आपको ऐसा न कहना है न लिखना है जिससे हमारी राष्ट्रीय एकता पर उंगली उठती हो, ठीक है। हम एक हैं, भारत एक है। और इसी के साथ आज की मॉर्निंग न्यूज यहाँ पर समाप्त होती है। और फ्रेंड्स, चलते चलते बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी चाहते हो आप वो आपको प्राप्त हो जाएगा, बशर्ते कि आपकी कोशिश पूरी होनी चाहिए। और दोस्तों, रोज सुबह 7:30 बजे तक मैं आपको मॉर्निंग न्यूज़ दे देता हूँ। दोपहर में 1 बजे एक वीडियो अपलोड होता है जो कि UPPCS, UP SSC जूनियर असिस्टेंट, SSC और RRB NTPC के GS पोर्सन के लिए होता है, तो इसको आप जरूर कम्प्लीट कर लेना। और UP TET CTET की तैयारी कर रहे हो तो शाम को 7 बजे मिलेंगे एक नए मॉक टेस्ट में, टाइम नोट कर लो। और नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हो तो बेल आइकन पर प्रेस कर देना, सब्सक्राइब का बटन उसके पहले प्रेस कर लेना। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।